हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक वन का लेसन नंबर 15 माय विजन फॉर इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 15 माय विजन फॉर इंडिया, भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण या फिर स्वप्न भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के क्या तीन विजन थे इंडिया के लिए। तो आइए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन नेशनल डेज सच एज द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे यू मस्ट हैव हियर द स्पीचेस मेड बाय आवर लीडर्स। These speeches inform us about the progress of the nation. They also tell us about some new initiatives which the government plans to take for continuous development of the nation. Do you feel inspired and enthusiastic when you hear such speeches? Do they make you feel that you too should contribute a bit and make India one of the best nations in the world? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिनों में आपने हमारे नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों को सुना होगा। ये भाषण हमें राष्ट्र की प्रगति के बारे में सूचित करते हैं। वे हमें कुछ नई पहलों के बारे में बताते हैं जो सरकार ने राष्ट्र के सतत विकास के लिए शुरू करने की योजनाएं बनाई हैं। क्या आप ऐसे भाषणों को सुनकर प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं? क्या वे आपको महसूस करते हैं कि आपको भी थोड़ा योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक बनाना चाहिए? Let us read the speech delivered by our former president Dr. APJ Abdul Kalam and know what his vision for India is. आइए हमारे पूर्व राष्ट्रपति Dr. APJ Abdul Kalam द्वारा दिए गए भाषण पढ़े और जानते हैं कि भारत के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है। आइए आगे पढ़ते हैं। Let us read the text. हमें पाठ पढ़े। I have three vision for India. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us. Captured our lands, conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Turks, and the Mughals, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their lands, their culture, and their history and tried to enforce our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. That is why my first vision is that freedom. I believe that India got its first vision of this in 1857 when we start the war of independence. It is the freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. आइए इसका हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। कहता है, भारत के लिए मेरे तीन विजन यानी स्वप्न हैं। हमारे इतिहास के 3000 वर्षों में दुनिया भर से लोग आए हैं और हम पर आक्रमण किया है, हमारी जमीनों पर कब्जा किया है, हमारे मन पर विजय प्राप्त की है। अलेक्जेंडर के बाद से यूनानी, तुर्क, मोगुल, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीस, डच सभी ने आकर हमें लूट लिया, जो हमारा था उससे अपने कब्जे में ले लिया। फिर भी हमने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, हमने किसी पे विजय प्राप्त नहीं की है, हमने उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास को नहीं पकड़ा है और कोशिश की है उन पर हमारे जीवन के तरीके को लागू करें।
क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यही कारण कि मेरा पहला स्वप्न आजादी का है। मेरा मानना है कि भारत को इससे पहला आजादी 1857 में मिला, जब हमने आजादी की लड़ाई शुरू की थी। यह वह स्वतंत्र है जिसे हम संरक्षित और पोषण और निर्माण करना चाहिए। यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, आर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे, येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एज्योर्ड इज नॉट द दिस इनकरेक्ट। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। इट इज टाइम वी सी आर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। वी आर अमंग टॉप 5 नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी। हमारा अधिकतर क्षेत्र में 10% विकास दर है। हमारे गरीबी का स्तर गिर रहा है। हमारी उपलब्धियां आज विश्व स्तर पर पहचानी जा रही है। फिर भी हमारे पास खुद को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के रूप में देखने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। क्या यह गलत नहीं है? भारत के लिए मेरा स्वप्न विकास है। इनका जो दूसरा स्वप्न है वो विकास है। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र रहे हैं। यह समय है कि हम खुद को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हम जीडीपी के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। आई हैव अ थर्ड विजन। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड बिकॉज आई बिलीव दैट अनलेस इंडिया स्टैंड अप द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। माई गुड फॉर्चून वॉज टू हैव वर्क विथ 3 ग्रेट माइंड्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्रोफेसर सतीश धवन हु सक्सेड हिम, एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। आई वॉज लकी टू हैव वर्क विथ ऑल 3 of them क्लोजली एंड कंसिडर दिस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। मेरा एक तीसरा स्वप्न है, भारत को दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। सिर्फ ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें न केवल सैन्य शक्ति के रूप में बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी मजबूत होना चाहिए। दोनों को साथ साथ चलना होगा। मेरा सौभाग्य था कि मैंने 3 महान दिमागों के साथ काम किया। अंतरिक्ष विभाग के डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन जिन्होंने उन्हें और परमाणु संयंत्र के पिता डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को सफल बनाया। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उन तीनों के साथ मिलकर काम किया और अपने जीवन के इस महान अवसर पर विचार किया। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर व्हेन अ 14-year-old गर्ल आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ। आई आस्क्ड हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज। शी रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन, इट इज अ हाईली डेवलप्ड नेशन। मैं हैदराबाद में यह व्याख्यान दे रहा था जब एक 14 वर्षीय लड़की ने मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगा। मैंने उससे पूछा कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको और मुझे इस विकसित भारत का निर्माण करना होगा। आपको यह घोषित करना चाहिए कि भारत एक अविकसित राष्ट्र नहीं है, यह एक उच्च विकसित राष्ट्र है। You say that our government is
inefficient. You say that our laws are too old. You say that the municipality does not pick up the garbage. You say that the phones don't work. The railway are a joke. The airline is the worst in the world. And males never reach their destination. You say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits. You say. What do you do about it? आप कहते हैं कि हमारी सरकार सख्त में है. आप कहते हैं कि हमारी कानून बहुत पुराने हैं. आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है. आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करते हैं. रेलवे एक मजाक है. एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब है और मेल कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं. आप कहते हैं कि हमारे देश को कुत्तों को खिलाया गया है और वह पूर्ण गड्ढे हैं. आप कहते हैं. आप इसके बारे में क्या करते हैं? Dear Indians, I am echoing D.F. Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians. Ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. प्रिय भारतीयों, मैं भारतीयों से संबंध रखने के लिए अपने साथी अमेरिकियों के लिए J.F. Kennedy के शब्द की गूंज कर रहा हूँ. हमें क्या पता कि हम भारत के लिए क्या कर सकते और भारत और अमेरिका के अन्य देशों के बीच क्या काम हो रहा है. और इस तरह से चैप्टर जो है खत्म हो चुका है. आइए हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के क्या तीन विजन थे इंडिया के लिए. उनका फर्स्ट विजन था फ्रीडम, सेकेंड विजन था डेवलपमेंट, उनका थर्ड विजन था कि इंडिया को स्टैंड होना होगा पूरे वर्ल्ड के सामने. ठीक है, इनके ये तीन विजन थे. अब मैं एक चीज और रिकॉल करने वाला हूं और वो ये है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो किन के साथ काम किए थे. तो पहला वो डॉक्टर विक्रम साराभाई था काम किए थे जो स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के में काम करते थे. और दूसरा प्रोफेसर सतीश धवन थे और तीसरे थे ब्रह्म प्रकाश जो न्यूक्लियर के फादर थे. इनके साथ वो काम कर चुके थे. अब आइए हम लोग जो है इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे. ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 15.1. ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 15.2. ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 15.3. ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 15.4. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस. सारे इंडेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से चेक करें. ये रहा आंसर. जहां पे नहीं दिख रहा हो वहां पे पॉज करें या फिर जूम करके देख लें. कुछ ग्रामर सेक्शन भी है, उन सब को बनाने का पहले खुद से प्रयास करें, फिर यहां पे आंसर से चेक कर लें. दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.